नॉर्थ का एक भी नहीं है, आई थिंक मैं ही हूँ अकेला जिसने मोटोवर्स अटेंड करा। अभी क्या है ना, अभी मेरा DSLR गुम हो गया, कैमरा तो मेरा नहीं मिला और आई थिंक मिलेगा भी नहीं। तो अभी इधर से किधर जाने का प्लान है? अभी इधर से तो सर IBW तक तो शायद मैं यही हूँ। ओके, अभी 22-23-24 के बाद शायद मैं कहीं निकल जाऊँ, पूछूंगा उनसे अपने फ्रेंड से, तो शायद कुछ बन गया तो निकल जाऊँगा, नहीं IBW तो यही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज का वेदर थोड़ा सा क्लीन है, अगर मैं पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करूं तो आज थोड़ा क्लीन है वेदर। तो अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, तो आज मोटोवर्स का फर्स्ट डे है, तो मैं गोवा में स्पेशली मोटोवर्स और IBW अटेंड करने आया हूं। तो आज मोटोवर्स का फर्स्ट डे है, तो मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूं ये मोटोवर्स में होता क्या है। ये रॉयल एनफील्ड का होता है, तो एक इवेंट टाइप का होता है जिसमें वो अपनी बाइक्स दिखाते हैं, जो आने वाली बाइक्स हैं फ्यूचर की जो लॉन्च हो सकती हैं या फिर जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं वो वाली बाइक्स दिखाते हैं। और दो मतलब कुछ एक ब्रांड्स हैं जो आती हैं अपना बाइक से रिलेटेड, जैसे राइडिंग से रिलेटेड जैकेट पैंट मतलब जो भी है अपना अपना स्टॉल लगा होता है वो, ये कुछ होता है मोटोवर्स में। और म्यूज़िक होता है, मतलब सिंगर्स आते हैं, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं, मैंने भी देखा ही है ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। तो अभी चलते हैं, आज अपना डे वन है मोटोवर्स का, 3 दिन चलेगा ये, डे वन है, तो अभी चलते हैं देखते हैं जाके वहाँ पे कैसा क्या सिस्टम है। और अभी 12 बज गए हैं, चलते हैं अभी। मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट या कुछ ऐसा कुछ यू नो पार्टी टाइप ऐसा कुछ कभी मैंने अटेंड नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अभी चल के देखते हैं क्या कुछ होता है उसमें। विंटेज बाइक मतलब बहुत कुछ होगा, 3 दिन अलग अलग होगा आई थिंक, ऐसा ही मेरे को लग रहा है कि 3 दिन अलग 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 सब कुछ होगा। तो अभी सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे। चलो भाइयों, अभी आपको मोटोवर्स दिखाता हूँ। और कल रात को मैं गया था इनकी रॉयल एनफील्ड की पार्टी में ना, इनका मैसेज आया था कि 8 बजे पार्टी है, तो मैं चला गया 9 बजे, और फिर जाके पता चला कि नहीं, उनसे गलती से मैसेज भेजा गया, पार्टी है 11 बजे। तो फिर मैं गया बागा बीच, और बागा बीच पे तो भाई साहब 10 बजे तक तो आधा पौना घंटा तो मैं बहुत बोर हुआ, क्योंकि ना वहाँ पे इतने सारे बार हैं रेस्टोरेंट हैं और सब ने अपने अपने वो चलाए हैं गाने, तो आप अब ये लगाओ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो इवेंट हो रहा है ना, ये हो रहा है हिल टॉप करके एक जगह है, वहाँ पर हो रहा है, IBW भी वहीं होगा, ये भी वहीं हो रहा है, 24 मिनट का है यहाँ से। और ये भी मैसेज आया है कि भाई 40% ऑफ है रॉयल एनफील्ड की, जो भी ये ग्लव्स है राइडिंग गेयर्स है ना सब पे, तो भी जाके देखते हैं कुछ पसंद आता था। तो ये है भाई साहब इवेंट, अब ये मेरे को कहाँ से कहाँ ले आया। एंट्री कहाँ से है? बाहर से। अच्छा ये बैक साइड है। ओके, ओ वाओ, व्हाट ए भीड़।
भीड़ देखो आप, ओहो हो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और भीड़ देखो, और अंदर तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही, लिटरली इतनी बाइक्स की आवाज, सब एग्जॉस्ट अपना अपना कंपनी वाले डेमो दे रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही। ये तो है अगर किसी को कुछ सामान लेना है और बाइक की सर्विस करानी है, और वो जो सामने है वो है एंट्री के लिए। सो भी क्या है ना, अभी मेरा DSLR गुम हो गया, मैं कर रहा था माइक वगैरह निकाल रहा था तो मैं भूल गया, तो देखते हैं मिल जाएगा तो, मिलना तो मुश्किल है आई नो, लेकिन मैं कंप्लेंट लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अब उधर से बोला है बॉक्स ऑफिस में जाने का, बॉक्स ऑफिस में भीड़ देखो कितनी भीड़ है। ये है 450 रेसिंग के लिए और वो है 550 के लिए, और ये है मौत का कुआं, और ये लिटिल बिट ऑफ रोडिंग के लिए, और वो सामने म्यूजिक के लिए, और वो जो वो उधर हो रहा है सामने वो हो रहा है बिगनर्स के लिए, मतलब थोड़ा सा। ये था मौत का कुआं। अभी ना उस तरफ खाने पीने का है, कुछ खा पी लेता हूँ, भूख लग रही है बहुत। कैमरा तो मेरा नहीं मिला और आई थिंक मिलेगा भी नहीं। ये है ट्रेल स्कूल। तो यहाँ पे होगा पूरा कॉन्सर्ट, ओके, नाच गाना खा लिया मैंने कुछ। अब एक बार ना बॉक्स ऑफिस में एक है लॉस्ट
कंपार्टमेंट करके है, वहाँ देखते हैं। अगर पूछता हूँ मिला है तो मेरा कैमरा किसी को, नहीं तो मैं अपना नंबर लिखवा दूंगा, किसी को मिलेगा तो अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। जी जी हाँ, तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा आदमी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरा कुछ गुम हो गया है और मेरे को मिल गया है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मिल जाए। तो अभी इधर से किधर जाने का प्लान है? अभी इधर से तो सर IBW तक तो शायद मैं यही हूँ। अभी 22, 23, 24 के बाद शायद मैं कहीं निकल जाऊँ, पूछूंगा उनसे अपने फ्रेंड से, तो शायद कुछ बन गया तो निकल जाऊंगा, नहीं IBW तो यही हूँ। मैं जनवरी में किया साउथ इंडिया राइड। अच्छा, पुणे टू कन्याकुमारी। ठीक है, रोड्स आर अमेजिंग, आई मीन यू एंजॉय राइडिंग। ठीक है ठीक है। वी वेंट फ्रॉम पुणे टू गोकर्णा, गोकर्णा टू कूर्ग, and from Coorg to we went to Kanyakumari, from there we went to Rameswaram, then Madurai, then Tumkur near Bangalore, and back to Pune. I was expecting to meet you here. मैं बस सुबह आके गर्मी इतनी थी, बहुत गर्मी थी, हाँ बहुत गर्मी थी, तो मैंने वो अपना टिकट वगैरह लिया, फिर मेरे को याद आया कैमरा गायब, फिर कैमरे के चक्कर में 1.5 घंटा लगा रहा, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं तू इंजॉय कर, कुछ नहीं होता, कैमरा गया तो गया। था तो 6 साल पुराना, बिल्कुल बेसिक मॉडल, लेकिन फोटो फोटो लेने के लिए बहुत अच्छा था वो। ठीक है, उसके पैसे वसूल कर लिए थे मैंने। टाइम फॉर यू टू अपग्रेड। हाँ, अपग्रेड आ गया। फिर उसका मेरे को प्रॉपर उसने मैप दिया अपना, मेरे दोस्त ने पुणे से, एक पुणे एक लड़का भी था जिससे मेरे को मिलना था, उसका भी रात को कमेंट आया था, तो वो मिला, और वो मेरे को जो गोवा वाला फ्रेंड है ना, वो मेरे को बेलगांव से आगे लेने आया, टोल पड़ता है कर्नाटका वाला, वहाँ से लेने आया मेरे को, वहाँ से फिर हम घाट से होते हुए हमने गोवा में एंट्री करा। अच्छा, मतलब सही था वो भी, मेरे को अच्छा लगा रास्ता। अब फर्स्ट टाइम के लिए तो ठीक है सर, आपको तो सर इतना पता है, घूमे हो आप इसलिए बता रहे हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम इस तरफ आया मुंबई गोवा। वो ब्लॉग में तुमने बोला था कि हमारे खानदान में से मैं पहला बंदा हूँ इधर आया हूँ, वो भी बाइक पे। अब ये देखो आप, आई रिमेम्बर दैट, तो अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आ रहा है। सागर शेल्डेकर भी बाय द वे इधर है। अच्छा अच्छा, इफ यू नो हिम, शायद सर, इज अ राइडर, रिव्यू करता है बाइक्स के, शायद शायद बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अब मिलेंगे पता नहीं, नहीं मिलेंगे, जैसे आप तो मिल गए रैंडमली, हाँ भीड़ इतनी है, भीड़ इतनी नहीं, एक्चुअली भीड़ बहुत कम है। हाँ अभी बहुत, अभी कम हो गया, लेकिन अभी कम नहीं है, पिछले सालों में आई एम कमिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। अच्छा, ये भीड़ कुछ भी नहीं है। हाँ फिर ठीक है, इससे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी पहले। मैं तो ये लाइफ का पहला ऐसा इवेंट है, मैंने कभी ऐसा कुछ अटेंड नहीं करा। अच्छा, हाउ यू लाइकिंग इट? हाँ ठीक है, बढ़िया है। रेसेस देखी कि नहीं? रेसेस सारी देखी, 450 की देखी, हाँ। और 550 की देखी, 650 की देखी, और मौत का कुआं, मतलब उधर तो मैं सारा कवर कर लिया, वहीं बैठा था मैं। ऑन द वे बैक होम अगर पुणे आने का मौका हुआ तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है सर, ठीक है, एंजॉय करो, थैंक यू। तो ये सर थे जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था, अभी मेरे को मिले हैं। सर ये जो हिमालयन का एग्जॉस्ट का सेटअप है, हाँ। क्या प्राइस होगा इसका? 22,000 कंप्लीट सेट विद हेडर पाइप। अच्छा ठीक है, तो इसका जो ये आपका ब्लैक कलर है, तो ये कभी फेड या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा? इट्स पाउडर कोटेड है। अच्छा, फेड नहीं होगा। ठीक है, पेंट फेड हो जाता है, पाउडर कोटेड फेड नहीं होता। तो इसमें मफलर के भी ऑप्शन है या एक ही है? जो अपना एग्जॉस्ट है उसके ऑप्शन है या एक ही है? एक ही है। चॉइस है आपकी, क्या आपको मैट ब्लैक चाहिए, पॉलिश चाहिए? अच्छा अच्छा, वो चॉइस है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आठ बज गए हैं अभी, अभी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब अभी गाने चलेंगे, सब कुछ हो गया, म्यूज़िक ही चलेगा, म्यूज़िक चलेगा 11-12 बजे तक। तो कैमरा तो अपने को नहीं मिला, बट एनीवे मज़ा आया, जो भी था, नुकसान मुनाफा तो होता रहता है, नो प्रॉब्लम। और भाई साहब इतने बाइकर्स हैं ना, इतने बाइकर्स हैं, सारे के सारे साउथ साइड के हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नॉर्थ का एक भी नहीं है। आई थिंक मैं ही हूँ अकेला जिसने मोटोवर्स अटेंड करा, और अब की बारी बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ भी नहीं है। जो सर मेरे को मिले थे ना, वो बोल रहे थे कि अब की बारी इतनी भीड़ नहीं है। और मैं सही बताऊँ, तीनों बाइक्स में 450, 650 और 500 cc में, ठीक है, तीनों बाइक में जब रेस हुई ना, मतलब अलग 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 रेस हो रही थी, जो 440 का आवाज़ थी ना, ओए होए होए होए, क्या आवाज़ थी, गोरिल्ला थी वो जिनसे वो रेस कर रहे थे, हिमालयन नहीं थी, गोरिल्ला थी। लेकिन भाई साहब
क्या क्रेजी आवाज थी, पता नहीं क्या उन्होंने ट्यूनिंग कर रखी थी या क्या कर रखा था, लिटरली तबाही आवाज। मुझे लगा था कि 650 की आवाज़ होगी, लेकिन 650 की आवाज़ नहीं थी जितनी उसकी थी। ओ हो हो हो, अमेजिंग, मज़ा आ गया। हालांकि मेरा कैमरा गुम हो गया यार, कैमरा गुम नहीं होना चाहिए, और कैमरा भी पहले दिन ही गुम हो गया, शिट मैन। और मैंने लास्ट दिन की भी रिकॉर्डिंग उसमें नहीं ली जो मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने कॉपी करी नहीं। मैं चलो बाद में कर लूँगा आराम से, जो मैं रॉयल एनफील्ड की पार्टी में गया था वो भी मैंने उसी में करी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया कॉपी। बट एनीवे कोई नहीं, अब मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ, इतनी भीड़ में तो वैसे भी मिलना मुश्किल ही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बड़ी मुसीबत थी जो छोटे में टल गई। और अभी आज तो मैंने देख लिया, अब अगले दो दिन क्या हो गया आई डोंट नो, अगले दो दिन तो जाके ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं। शुरू में तो मेरा मूड ख़राब हुआ कैमरा के चक्कर में, हालांकि मेरे को आई थिंक याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ रख दिया। मेरे को बस ये है कि मैंने माइक निकाला था अपना, माइक निकाल के तो निकालना पड़ता है। एनीवे गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी है। अरे पता क्या है, गर्मी इतनी थी तो इरिटेशन हो रही थी, है ना, कहीं कुछ छाया का था नहीं, एकदम से इतनी भीड़ हो गई तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना होश पोच हो गया, बट कोई नहीं। और सुबह से लेके अब तक गाने चल रहे थे लगातार, रेस हो रही थी लेकिन पीछे बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा था, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जब मौका मिला तब मैंने किया। तो ये दिक्कत है थोड़ी, म्यूज़िक ना इनको बंद करना चाहिए जब रेस रूस चल रही हो, क्योंकि वीडियो बनाने में इशू आता है, वीडियो बनाएंगे और म्यूज़िक के साथ डालेंगे तो कॉपीराइट का इशू आएगा। तो ये कुछ ये है बैंड, ये आपको दिया जाएगा, फ्री एंट्री होगी, इसके पहनने के बाद जितनी मर्जी बार एंट्री करो एग्जिट करो। और एक ये मेरे को बैग सा दिया है, ठीक है, इस पर मोटोवर्स लिखा हुआ है, रॉयल एनफील्ड गोवा 2024। और एक टी शर्ट है एल साइज की मेरी, और ये कुछ स्टिकर्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, मस्त है, नाइस। और एक ये प्लास्टिक का मग टाइप है, तो ये है सीन, ये वेलकम गिफ्ट है मोटोवर्स की तरफ से। अभी दो दिन बाकी हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि मेरा आज कैमरा गुम हो गया, मतलब मेरे को सिर्फ ये दुख है कि मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स नहीं ले पाया आज, है ना, क्योंकि फ़ोन में वो चीज़ नहीं हो पाती जो मैं कैमरे से ले पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अब वो चीज़ पकड़ के मैं अपने आगे के दिन ख़राब नहीं करना चाहता, उसको मैं भूल चुका हूँ। तो अब कल चलते हैं, कल देखते हैं मोटोवर्स में क्या हुआ कल। अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को आज क्या क्या लेके जाना नहीं चाहिए था, है ना। एक हेलमेट ने मेरे को बहुत दुखी करा, तो कल देखता हूँ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हेलमेट का, कुछ लोक वगैरह लेके जाऊँगा, बाइक पे ही लगा दूंगा। और तो बाकी कुछ दिक्कत नहीं थी, कैमरा था, कैमरा तो चला ही गया। एनीवे बाय बाय डाटा, टेक केयर, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। दिक्कत ये थी, गाने चल रहे थे, गाने के साथ मैं एज इट इज़ वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि कॉपीराइट का सिस्टम होता है कुछ इनका, वो गाने भी बॉलीवुड वगैरह के चल रहे थे, तो ये था। तो इसलिए मेरे को आपको जितना हो उसका रो दिखाया और जितना हो उसका ऐसे मतलब क्लिप दिखाई। तो ये था मोटोवर्स का फर्स्ट डे। तो अभी दो दिन हो रहे हैं, अभी क्या है ना, अभी पार्टी गैराज कैफे में भी पार्टी है, उसकी भी इन्विटेशन है मेरे को, लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ में कोई फायदा नहीं है, वैसे मैं कोई जानता नहीं। अब तीन दिन लगातार पार्टी होएगी, पहले इधर पार्टी होएगी, अभी ये डीजे था, अभी इधर पार्टी होएगी, फिर गैराज कैफे में भी पार्टी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टू डेज में क्या होता है। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।